हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, बिंदुसार। जैसा कि आपको पता है कि जो मौर्य साम्राज्य था वो 322 BC से 185 BC तक रहता है, तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 BC से 298 BC तक रहता है। उसके बाद जो उनके बेटे का शासनकाल बिंदुसार का शासनकाल होता है वो 298 BC से 272 BC तक रहता है। तो आज जो हम लोग है बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे वो बिंदुसार थे। शासनकाल 298 BC से 272 BC तक रहता है। इनकी माता का नाम दुर्धरा था, पत्नी जो थी धम्बा या सुभद्रांगी थी। इनके प्रधानमंत्री जो थे वो प्रारंभ में चाणक्य रहते हैं, बाद में जो प्रधानमंत्री बनते खल्लाटक। तो अगर पूछा जाए खल्लाटक किसके प्रधानमंत्री थे तो बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम खल्लाटक था। प्रारंभ में जो प्रधानमंत्री थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन रहते, चाणक्य रहते हैं, तो प्रारंभ में बिंदुसार के शासनकाल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री रहते हैं। ओके, यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमित्रोकेट्स के नाम से जाना गया। तो अमित्रोकेट्स को ही संस्कृत भाषा में अमित्रघात से संबंधित किया गया है। अमित्रघात मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ राजबली कथा जो है उसमें इन्हें सिंहसेन कहा गया। तो सिंहसेन किसका नाम था, बिंदुसार का नाम था। अमितघात किसका नाम था, बिंदुसार का नाम था। ठीक है, मद्रशार जो कि वायुपुराण में, तो वायुपुराण में बिंदुसार को मद्रशार के नाम से कहा गया। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, तो उसमें ये बोला गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे, तक्षशिला में कितने विद्रोह का वर्णन मिलता है, इनके शासनकाल में 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। तो जिसको दबाने के लिए पहले उसने सुसीम को भेजा था, फिर बाद में अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसको दबाने के लिए, अगर मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए बाद में इसका दमन किसने, अशोक ने। तो पहले सुसीम को भेजा था, फिर अशोक को भेजा था। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है, जो दूत आए थे इनके शासनकाल में तो वो कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने, एंटियोकस प्रथम थे, उन्होंने डाइमेकस को अपना दूत बना के इसके दरबार में भेजा था। तो डाइमेकस किसके शासनकाल में अपना दूत बन के आया था, जो कि बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को अपना दूत बना के उसके दरबार में भेजा। प्लीनी के अनुसार बोला गया है कि मिस्र के शासक टालमी सेकेंड, जो कि फिलाडेल्फस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने डायनोसियस को अपना दूत के रूप में भेजा था। डायनोसियस को अपने दूत के रूप में किसने भेजा था, मिस्र के शासक टालमी सेकेंड, जो कि फिलाडेल्फस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अब क्वेश्चन ऐसे भी उठता है, जैसे एंटियोकस ने जो डाइमेकस को भेजा था, तो ये बोल दिया जाए डाइमेकस जो था वो कहाँ का रहने वाला था, तो सीरिया का। ठीक है, तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को अपना दूत बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और मिश के शासक टालमी सेकंड, जिन्हें फिलाडेल्फस के नाम से जाना जाता, उन्होंने डायनोसियस को अपना दूत बना के भेजा था। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो सीरियाई शासक थे उन्होंने एंटियोकस प्रथम ने, तो इसमें 3 चीज़ों की मांग करी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था, इसको पता होना चाहिए। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने 3 चीज़ों की मांग करी थी, क्या था, सूखी अंजीर, शराब और एक दार्शनिक। किसकी किसी मांग करी थी, सूखी अंजीर की मांग करी थी, एक शराब की मांग करी थी, एक दार्शनिक की मांग करी थी। तो सूखी अंजीर और शराब के बारे में तो राजी हो गए थे, लेकिन दार्शनिक को देने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। 2 चीज़ें तो प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन दार्शनिक देने से इनकार कर दिया जाता है। रीज़न क्या था, क्योंकि उनका कहना था कि दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे बेचा नहीं जा सकता है, तो दार्शनिक का विक्रय नहीं किया सकता है, इस वजह से दार्शनिक के बारे में उन्होंने मना कर दिया। सूखी अंजीर और शराब का विक्रय किया था। ठीक है, देखिए आगे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जो बिंदुसार था वो किस मत का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो था वो आजीवक मत का अनुयायी था। ठीक है, और इनके जो परामर्शदाता थे, मुख्य परामर्शदाता वो कौन थे, पिंगलवसा जीव था। तो देखिए, बिंदुसार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है, इतना जितना मैंने बताया उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।